बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 17 एंड आवर डायरी इज़ वर्कबुक पेज नंबर 14 to 15। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पोएम जो है उसकी रीडिंग की थी, एवरीडे थिंग्स की हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में रीडिंग की थी। सो आज हम लोगों ने इसका वर्कबुक वाला पोर्शन करना है। सो स्टार्ट करते हैं। ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 14, एवरीडे थिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दे दी गई हैं, इनको हमने फिल करना है। हेल्प बॉक्स, ये जो है यहाँ पे वो वर्ड्स दिए गए हैं और हम लोगों ने यहाँ से चूज़ करके जो सबसे सूटेबल अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो यहाँ पे इस ब्लैंक में राइट कर देना है। द थीम ऑफ दिस पोएम इज़ दैट इफ़ यू आर आइदर अ रिच और अ, इस पोएम का थीम क्या है, अगर आप अमीर हों या चाहे पुअर पर्सन, ठीक है, गरीब हों। फॉर द एवरीडे थिंग्स नो वन कैन गेट अवे विद इट, रोज़मर्रा की चीज़ों से, ठीक है, रोज़मर्रा की चीज़ों से कोई भी आगे नहीं हो सकता, यानी कि हर किसी को उन चीज़ों की तो ज़रूरत होती है। द पोइट इलस्ट्रेट्स दैट द ऑर्डिनरी थिंग्स आर नीडेड बाय एवरीवन, यानी कि हर शख्स को अमूमन हर चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो ऑर्डिनरी हो या अनऑर्डिनरी हो। द रिच पर्सन मे हैव एन एक्सपेंसिव थिंग बट द फंक्शन इज सेम ऑफ एवरीथिंग। अब वो कह रहे हैं कि जो रिच पर्सन है, यानी जो अमीर शख्स है, उसके पास जो है महंगी चीज़ें होती हैं, लेकिन पर्पस दोनों का एक ही है। लाइक अगर आप कोई रिच पर्सन है तो उसने वॉच पहनी हुई है, वही वॉच जो है वो 5000 की है जो उसने पहनी है, और अब एक पुअर पर्सन है और वो वॉच उसने पहनी हुई है जो कि 120 या 100 तक की है, तो काम दोनों का सेम है, यानी कि फंक्शन दोनों का सेम है। दोनों ने देखना तो टाइम ही है और घड़ी ने बताना तो टाइम ही है ना, वक्त ही बताना है उसने, तो इस वजह से ये है। द रिच पर्सन मे हैव एन एक्सपेंसिव थिंग बट द फंक्शन इज सेम ऑफ एवरीथिंग टू कम्प्लीट द एवरीडे नीड्स, रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनका फंक्शन जो है वो बिल्कुल सेम होता है। एवरी वन नीड्स वाटर एंड डैश टू बाथ, अब बाथ के लिए यानी नहाने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है, पानी और साबुन की, सो वाटर एंड सोप, फूड टू ईट, पेन टू राइट, यानी लिखने के लिए पेन की ज़रूरत, कलम की ज़रूरत होती है, वो अमीर हो या गरीब उसको लिखना कलम से ही पड़ता है। बुक्स टू रीड एंड अ प्लेस टू स्लीप, और किताबें जो वो पढ़ते हैं, जो किताबें अमीर लोग पढ़ते हैं वही किताबें गरीब भी पढ़ सकते हैं। एंड अ प्लेस टू स्लीप, और सोने की जगह, यानी सोते तो सब लोग अपने बेड पर ही हैं, अपने बिस्तर पर ही। नो वन कैन डिनाई द नीड ऑफ ऑर्डिनरी और एवरीडे थिंग्स एज सेट इन द पोएम, अब कह रहे हैं कि कोई भी इस चीज़ से मना नहीं कर सकता, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो या तो ऑर्डिनरी हों या एवरीडे थिंग्स, यानी कि रोज़मर्रा की चीज़ें हों, यानी आम चीज़ें भी हों, तो वो भी ज़रूरत उनकी एक ही होती है, यानी कि उनका पर्पज़ एक ही है। ये यहाँ पे साथ आपको हेल्प बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ से आप लोगों ने बहुत ही केयरफुली जो है वो वर्ड्स देखने हैं और अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो हैं वो अपनी ब्लैंक्स में फिल कर देने हैं। आंसर द क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द पोएम, पोएम का जो है वो मेन मैसेज क्या था। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अलॉन्ग इन द लाइफ विदाउट डूइंग एवरीडे थिंग्स वेदर यू आर रिच और पुअर। अब वो क्या कह रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट अलॉन्ग इन द लाइफ, कि ये नामुमकिन है अपनी ज़िंदगी यानी लंबी तवील तरीन करते जाना है, ये नामुमकिन है कि बग़ैर रोज़मर्रा चीज़ों के आप लोग इतनी ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो गुजार लें, यानी लंबी ज़िंदगी जो है वो आपकी बसर हो जाए। चाहे आप अमीर हों या गरीब, आपको रोज़मर्रा चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है। हाउ आर मिलियनेयर्स प्रेसिडेंट्स एंड किंग्स लाइक ऑर्डिनरी पीपल, अब वो कह रहे हैं कि अरबपति सदर और जो बादशाह हैं, जो किंग है, वो किस तरह से दूसरे आम जो लोग होते हैं वो उनसे मैच करते हैं। दे टू यूज़ अ कॉम टू कॉम देयर हेयर, ये एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग कि जो बादशाह है, चाहे सदर है, अरबपति है, जो भी इंसान है, वो अपने बालों को कंघी करने के लिए हमेशा जो है वो कॉम का ही यूज़ करता है, यानी कंघी का ही यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम अ फ्यू मोर थिंग्स दैट द रिच डू दैट अदर्स आल्सो डू, अब कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी और लिखें जो कि एक अमीर शख्स भी करता है, लेकिन साथ ही साथ एक वो ही काम जो है वो गरीब भी करता है। टेक अ बाथ विद वाटर एंड सोप, नहाते हैं वो किसे, पानी से और साबुन से, ये अमीर भी पानी और साबुन से ही नहाते हैं और गरीब भी पानी और साबुन से ही नहाते हैं। ईट एंड ड्रिंक, खाते हैं और पीते हैं। वेयर क्लॉथ्स, कपड़े पहनते हैं। रीड न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ते हैं। स्लीप एट्सेट्रा, या सोते हैं वगैरह वगैरह, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ऑल रिच एंड पुअर मोस्टली हैव सेम काइंड ऑफ डिजीज, कैन यू मैच इलनेस विद इट्स सिम्टम्स, अब ये है इलनेस और यहाँ पे उसके सिम्टम्स दिए गए हैं, इनको हमने मैच करना है। सिक यानी बीमार हो तो किस तरह का, टायर्ड बॉडी हर्ट्स,
जब हम बीमार होते हैं तो हमारी जो जिसम है उसमें तकलीफ होती है और हमें थका थका महसूस हो रहा होता है। सो बीमार होने की जो निशानी है, जो सिम्टम है, वो क्या है? टायर्ड और बॉडी हर्ट्स। हेडेक क्या है? हेडेक का देखिए, आ स्टमक, नोजिया, वॉमिटिंग, अ फीवर, मसल एच, चिल्स। यानी क्या कह रहे हैं, जब सर में दर्द होती है तो इसकी सिम्टम्स क्या क्या होती हैं कि मैदा जो है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा थोड़ा हमें जो है वो वॉमिटिंग आने लग जाती है, ज़ुकाम होने लग जाता है, थोड़ा हल्का हल्का साथ बुखार हो जाता है, और जो हमारे मसल्स हैं उनमें भी दर्द होने लग जाता है, हल्की हल्की सी जो है वो हमें खांसी आती है, छींकें आती हैं। सर दर्द में जो है ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये ऐसे होते हैं, यानी कि हमारा दिल ख़राब हो रहा होता है, हमें वॉमिटिंग आ रही होती है, हमारा जो मैदा है उसमें भी थोड़ी थोड़ी हमें तकलीफ़ महसूस हो रही होती है, हल्का हल्का सा जो है वो हमें बुखार भी महसूस हो रहा होता है, कोल्ड यानी ठंड, रनी नोज, टायर्ड, हेडेक और कंजेशन। ठीक है, जब ठंड लगे हमें, यानी कि हम ठंड लग रही हो तो क्या होता है, यानी कि हमें ज़ुकाम लग जाता है बहुत सीवियर किस्म का, जिसमें हमारी नाक बह रही होती है, हम थका थका महसूस करते हैं, सर में भी दर्द होती है, कफ, खांसी, सोर थ्रॉट, कफिंग, हर्ट्स टू स्वेलो। यानी जब हमें खांसी होती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमारा जो गला है ना वो दर्द करने लग जाता है, जो फिर हमें ज़्यादा खांसी आती है और हम कोई भी चीज़ जो है वो अंदर निगल नहीं पाते, यानी कि निगलने में हमें प्रॉब्लम होती है, फीवर, बुखार, योर बॉडी फील्स कोल्ड और वेरी हॉट, चिल्स, स्वेटिंग। अब क्या कह रहे हैं कि जब बुखार होता है तो तब क्या सिम्टम्स होते हैं बुखार के, हमारा जो जिस्म है वो ठंडा या गर्म महसूस करता है, यानी कभी अगर बुखार लगे तो कभी कभी हमें ठंड लगती है, लेकिन अगर जब बुखार होता है, जब और भी बुखार होता है तो फिर हमें कभी कभी गर्मी भी महसूस होती है। फ्लू, हेड हर्ट्स, कांट सिट अप। फ्लू कह रहे हैं कि जब ज़ुकाम होता है तो फिर सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सर को तकलीफ़ होती है और हम एक जगह पर बैठने को हमारा दिल भी नहीं चाहता। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू नो यू हैव अ फीवर, हाउ डू यू मेजर योर टेम्परेचर। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बुखार है और अपना बुखार जो है वो कैसे मेजर करेंगे? द सिम्टम्स ऑफ फीवर आर फीलिंग हॉट, चिल्स, बॉडी एच, स्वेटिंग एट्सेट्रा। अब ये कह रहे हैं कि बुखार के यही निशानियाँ हैं कि हमें महसूस होने लग जाते हैं हॉट चिल्स, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा जो है वो हमें ज़ुकाम जो है वो महसूस होने लग जाता है, गले में खराश वगैरह जो है वो महसूस होने लग जाती है, बॉडी एच जो है जिस्म दर्द करने लग जाता है, पसीना आता है। आई एम मेजर टेम्परेचर बाय थर्मोमीटर, और मैं जो है वो अपना टेम्परेचर, अपना बुखार जो है वो थर्मोमीटर के जरिए से मेजर करूँगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।